हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ESIC MTS मेंस में आपके कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे अलग अलग रीजन से, तो मैंने कुछ RTI ऑलरेडी डाली हुई है और कुछ का ऑलरेडी रिप्लाई मैंने इस चैनल पे बताया हुआ है। तो आज आपका एक और रीजन का RTI का रिप्लाई आया हुआ है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट से आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको जो भी अपडेट्स रहेंगी वो यहाँ पर आपको एक एक करके मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि भाई ये जो ये रिप्लाई आपका किस रीजन का, तो ये आपका केरला रीजन का है और इसमें साफ साफ लिखा है कि टोटल 686 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके MTS प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई हुए थे। अब इनमें से हो सकता है कि मोटा मोटा कि लगभग 15 से 20 स्टूडेंट देने ना भी गए हों, या हो सकता है देने भी गए हों, लेकिन इसका जो डेटा है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि ओवरऑल हर रीजन से मैंने ये देखा है कि जो मेंस में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उनका डेटा उन्होंने किसी भी रीजन ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। तो ओवरऑल ये जो भी डेटा है वो प्रीलिम्स के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का ही डेटा आप सभी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि जनरल में आपके 253, 76 सब कैटेगरी और 60 EWS, 226 OBC और 71 SC कैटेगरी। अब यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी का बाइफर्केशन यहाँ पे ओवरऑल यहाँ आपको दे दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने केरला रीजन से भरा हुआ है, तो आप सभी को नंबर्स पता भी चल गए होंगे। तो बाकी और भी रीजन का जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा फटाफट से इस चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पर आपको एक से एक अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके।